अल्टो कार में कट्टे की नोक पर ले गए तीन आरोपी, अपहरण किया, ज्ञात स्थान पर किया सामूहिक बलात्कार, चंगुल से भाग कर आई महिला। खबर शिवपुरी से आ रही है। शिवपुरी के नरवर की रहने वाली युवती ने आज SSP से शिकायत करते हुए बताया कि 2 माह पूर्व दोपहर के 2 बजे परिवार के सदस्य खेत पर गए हुए थे, तभी तीन आरोपी ने कट्टे की नोक पर अल्टो कार में डालकर अपहरण कर ले गए, जिसके बाद सामूहिक बलात्कार किया। जानकारी के अनुसार नरवर की रहने वाली युवती ने SSP से शिकायत करते हुए बताया कि 2 माह पूर्व लगभग 2 बजे अपने घर पर थी और माँ एवं पिता, चाचा सहित घर परिवार के सब लोग खेत पर कृषि कार्य के लिए गए थे, तभी आरोपी अजय बाथम पुत्र मुन्ना बाथम निवासी शासन तहसील भितरवार, मनोज कुमार पुत्र नामालूम किरार निवासी भितरवार, मुकेश पुत्र नामालूम गार्ड निवासी घड़ी खेरे तहसील चिनोर कट्टे की नोक पर घर से उठाकर मनोज किरार की अल्टो वाहन में अज्ञात स्थान पर ले गए, जहां पर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया गया। युवती के साथ 2 माह तक सामूहिक रूप से शारीरिक संबंध बनाकर प्रताड़ित किया गया। वहीं 14 जनवरी 2023 को भितरवार से बड़ी मुश्किल से युवती आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने घर नरवर आई। पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपियों की तरफ से 2 अज्ञात महिला एवं 5 व्यक्ति उसके घर पर आए और अपने साथ ले जाने की धमकी देने लगे, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए और वह भाग खड़े हुए। महिला ने बताया कि वह काफ़ी पीड़ित है और परेशान बनी हुई है। इसकी शिकायत पुलिस चौकी मगरोनी में दर्ज कराई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। महिला ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की SSP से मांग की है। किस बात की शिकायत करनी? अरे मुझे 3 लोग मुझे घर से ले गए थे। कब ले गए थे? अरे 2 माह पहले की बात है। 2 माह पहले? तारीख याद है कुछ? तारीख मारिक मुझे कुछ नहीं है यार। कहाँ से ले गए थे? जी मैं अपनी मम्मी पापा के घर पे थी। अच्छा हाँ। तो फिर कहाँ रखा उन लोगों ने? उन्होंने पता नहीं है, सुनसान सी जगह थी और मतलब एक ही कमरा था, आसपास जंगल टाइप का था जी। आपको पता नहीं है क्या? मुझे कुछ याद नहीं है, मतलब 2 महीने तक आपको वहाँ रखे रहे। 2 महीने तक आपको वहाँ रखे? तो उस दौरान आपने विरोध नहीं किया 2 महीने में? किया बिल्कुल, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। अच्छा। न निकलने देते। अच्छा, इन 2 महीने में आपके साथ कोई अत्याचार, कोई? हाँ, मेरे को मारते पीटते थे और गंदी शरारते हरकते भी करते थे। किस तरह की? उसको हम क्या रेप की संज्ञा दे सकते हैं? हाँ, रेप किया आपके साथ? हाँ, कितने लोग? 3 लोग थे। तीनों लोग करते थे? हाँ, तीनों लोग करते। हाँ, थे। नाम क्या था? नाम था, एक का नाम था मनोज किरार। हुँ? और एक का नाम है अजय बाथम और एक का नाम है मुकेश गौड़। कहाँ के हैं ये तीनों? जी मुकेश गौड़ है गड़ी खेरी का। हुँ? और जी मनोज किरार है दरबार का और अजय सासन का। कहाँ का? शासन का भितरवार। शासन भितरवार। तो क्या आपको पहले से जानती हैं क्या? नहीं, मैं पहले से नहीं जानती थी। तो फिर आप उनके नाम वगैरह कैसे जानती हैं? अरे मेरे को सब पता चल गया था, मम्मी पापा ने थाने में रिपोर्ट वगैरह भी की थी। नहीं तो कहीं ना कहीं वो आपको जानते होंगे, तभी तो आपका अपहरण करके ले गए थे घर से, या कोई दुश्मनी थी? अरे मेरे मामा जी, मतलब जो मुकेश गौड़ है ना, तो वो मामा जी लगते थे, मतलब मम्मी के लगा तगा के भाई थे। अच्छा, तो उसके साथ मतलब आते जाते थे, वो उसके साथ मिला हुआ था जी। मतलब पहले से आप जानते थे उनको? मतलब मैं तो इतना नहीं जानती थी, मेरे मामा जानते थे, मेरे मामा जी लगते थे, मतलब उसी उन्हीं का हाथ है इसमें। तो आपके मतलब मामा ने ही आपके खास साथ नहीं थे? नहीं, खास नहीं थे, मतलब मुंह बोले मामा। हाँ, ने आपके साथ बलात्कार किया है? वो मामा जी के लिए, मतलब हम कम थे और वो था ना अजय वादम, वो ज्यादा था जी। जी जी, मतलब हम उनके अच्छा, तो खास नहीं थे, वो खास दोस्त थे। तो इस अब आप कितने दिन पहले अपने बाप के साथ दोबारा भी आए? मतलब लेने? हाँ, दोबारा जबरदस्ती कर गए आए। चलो, आप कितने दिन पहले वापस आई? कैसे वापस आई? जी मैं आई थी 15 दिन पहले आ गई थी जी। कैसे आई वहाँ से? 14 तारीख को आ गई थी मैं। आ गई थी मतलब जी रात में सब लोग सो गए थे, तो कैसे ना कैसे मैं निकल आई। अच्छा, उस कमरे में तीनों ही रहते थे कि और कोई भी रहता था? नहीं, मैं अकेली, मेरे को बांध कर डाल देती, मतलब और पता नहीं कहाँ जाती थी तीनों। तो फिर आप चिल्ला सकती थी बाद में भी, तो छूट सकती थी? वहाँ पे कोई नहीं था। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं था। फिर रात में लौट के आ जाते थे? कौन सी जगह थी वो? जगह मेरे को कुछ नहीं है पता। अच्छा, अब पुलिस ने आपकी क्या सुनवाई की है? कोई नहीं की, ना नरवर की ना मगरौनी थाने पर किया। तो आज जहाँ SP ऑफिस आप आई थी, SP ऑफिस में क्या? SP ऑफिस में आई थी मैं शिकायत करने की, कहीं नहीं सुनेंगे तो SP ऑफिस वाले तो सुनेंगे जी। तो SP साहब ने क्या आश्वासन? मतलब अभी तो हम गए नहीं है, पर लेकिन अंदर जाएंगे।